जब हमारा अपना स्टेडियम में आ जाए तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, आरसीबी और राजस्थान के बीच में, दोनों रॉयल्स के बीच में मैच खेला गया। मैच बड़ा ही शानदार था और इस मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर से कप्तानी की, बड़ा ताली। दोस्तों आपको बताते चले, विराट कोहली ने इस मैच में कप्तानी की और विराट कोहली को देखकर सभी लोग झूमने लगे। एक तरह से लोग पागल हो गए थे क्योंकि विराट कोहली को कप्तानी देखना किस किस को पसंद नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आपको बताते चले, भले विराट कोहली इस मैच में पहली बॉल पर आउट हो गए क्योंकि उन्हें ट्रेंट बोल्ट ने 440 बोल्ट का झटका दे दिया था और वो पहली बॉल पर आउट हो गए, परंतु उन्होंने कप्तानी शानदार की और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। साथ ही में फाफ डुप्लेसी और ग्रेम मैक्सवेल ने जो पारी खेली ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो देखकर कुछ अलग ही फीलिंग से आ रही है क्योंकि यार दोनों ने क्या बल्लेबाजी की है। पर एक बात से जरूर नाराज होऊंगा क्योंकि बेंगलोर की टीम में इन तीन बैटरों के अलावा विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और ग्रेम मैक्सवेल के अलावा और कोई नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही आपको बताते चले, राजस्थान रॉयल की टीम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही थी परंतु अंततः हार राजस्थान की हुई। पता नहीं क्या हो जाता है राजस्थान की टीम को अंत में और एकदम से विकेट भी जाने लगते हैं और काफी कुछ देखने को मिलता है, काफी कुछ ढलान सी देखने को मिलती है उनकी टीम में और राजस्थान की हार हो जाती है। पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि क्या विराट कोहली इस बार आरसीबी को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।